हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हर्ष पटेल आज आपको जुलाई के पहले वीक का पहला मॉक टेस्ट बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं साप्ताहिक मॉक टेस्ट लाऊंगा, तो ये पहला मॉक टेस्ट है पहले सप्ताह का जुलाई के लिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 15 में से। और अगर आप इन वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं या इसके जो प्रश्न हैं इस वीडियो के, अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य। आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रथम डेल्टा रैंकिंग किस संस्था ने जारी की? तो थोड़ा समय दूंगा आपको, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। तो इसका ऑप्शन सही है बी, नीति आयोग होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात का वाणिज्यिक दूतावास कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आप बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान किसे प्रदान किया गया? बताइए इसका ऑप्शन सही है बी, अंजलि एल मेनन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्विस बैंक में धन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले UPPCS का एग्ज़ाम जो 19 अगस्त को होने वाला है, और रेलवे के लिए वीडियो के लिए, तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका ऑप्शन सही है सी, 73। अगला प्रश्न है, GST दिवस कब होता है या कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा इसका ऑप्शन सही है ए, 1 जुलाई को। तो अगला प्रश्न है, हैप्पीनेस करिकुलम किस राज्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सही है ए, ऑप्शन ए, दिल्ली से। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और मैं बता दूं, आज मैं 8 जुलाई का करंट अफेयर नहीं दे पाया हूँ, कल 9 जुलाई के साथ आपको दे दूँगा। अगला प्रश्न है, अब ICC हॉल ऑफ फेम में 5वां भारतीय क्रिकेटर कौन शामिल हुआ है? तो इसका ऑप्शन बताइए आप क्या होगा। आपने लिख लिया होगा अब तक अगर आपको पता होगा। ये सभी प्रश्न मेरे करंट अफेयर के वीडियो से ही लिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन सही है ए, राहुल द्रविड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयरन चैंपियनशिप पूरी करने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, DD डोगरा जी। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2018 फार्मूला 1 रेस किसने जीती? तो इसको जीता है, बताइए आप, इसको जीता है मैक्स वेस्टपर्न, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अब क्या नाम हो गया है? तो इसका भी ऑप्शन सही है बी, स्पोर्ट्स इंडिया। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला पूर्ण डिजिटल कला संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए, जापान। अगला प्रश्न है, नारल बाम्बन किस राज्य का गांव है जहां स्वतंत्रता के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन मिला? तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, पशु जगत को जीवित इकाई के रूप में किस राज्य के हाईकोर्ट ने घोषित किया? तो इसका ऑप्शन सही है, आपको बताना है, इसका ऑप्शन सही है बी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेट गेंद के साथ छेड़छाड़ के संबंध में घोषणा किसने की? तो आपको बताना है इसका क्या जवाब होगा। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए, ICC ने। अगला प्रश्न है इस वीडियो का और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में 1.5 ट्रिलियन रुपए का बंधक ऋण पार करने वाला बैंक कौन बना? तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, ICC। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।